साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मानस एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त नीरज पारेख। दोस्तों, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आपने पढ़ा होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने आर्टिकल 124 तो जरूर पढ़ा होगा। 124 इज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से वो रिलेटेड है। बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जो प्रोसेस लिखा है, जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 124 चार के अंदर ये प्रावधान है, तो क्या उसकी कहानी है, चलिए जान लेते हैं। साथियों, डिटेल वीडियो आप लोगों को अलग मस्तों सीरीज में मिलेगा। ये तो बस एक रैंडम कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या और यहाँ पे सीखना है। तो साथियों शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 में रिमूवल ऑफ जजेस का प्रावधान किया गया है। उस आर्टिकल में यानी 124 क्लॉज 4 में दो आधार पे हम किसी भी जज को हटाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कौन से वो दो बेसिस हैं? पहला आधार है, उसे हम कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मींस हिंदी में कहा जाएगा सिद्ध कदाचार, यानी उनके ऊपर मिसबिहेव प्रूव्ड हो चुका। प्रूव्ड मिसबिहेवियर पहला उनका एक क्राइटेरिया है। दूसरी बात जो आर्टिकल 124(4) यानी क्लोज 4 कहता है वो दैट इज इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब होता है अक्षमता, यानी अब वो न्यायाधीश कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो याद होगी पहली चीज, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में क्या बात हुई है, रिमूवल ऑफ जजेस कितने तरह से हटा सकते हो। रीजन दिया है क्या? हाँ सर, दो रीजन दिए हैं। पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर या सिद्ध कदाचार, दूसरा दिया है हमारा इनकैपेसिटी या तो अक्षमता। इसके आधार पे किसी भी जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब ये जो प्रक्रिया शुरू होती है, इसको शुरू किया जाता है कहाँ? ऑब्वियसली पार्लियामेंट में, संसद में ये प्रोसेस शुरू होता है। अब दोस्तों संसद में देखिए एग्जामिनर कहाँ फंसाएगा कि संसद के किस हाउस में, तो याद रखिएगा पार्लियामेंट के किसी भी सदन में ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है, इधर दे कैन यू नो इनिशिएट दिस प्रोसेस इन लोकसभा और दिस प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा एज वेल। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को नोट डाउन कर लीजिए। जो डिफरेंस आप लोगों के सामने है वो ये है कि अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया है तो उसको 100 कैंडिडेट यानी लोकसभा के सांसद यानी एमपी का सिग्नेचर उस रेजोल्यूशन पे होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रोसेस है वो मेरे साथियों शुरू होगी लोकसभा में, तो उस प्रपोजल पे, उस रेजोल्यूशन पे मिनिमम 100 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर ये प्रोसेस राज्यसभा में इनिशिएट किया जा रहा है तो राज्यसभा के लिए मिनिमम सिग्नेचर कितना होना है? 50। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, तो सिग्नेचर का नंबर हमें मालूम चल गया। गाइस, इसके बाद में एक प्रोसेस शुरू होता है, एक कमेटी होती है, कमेटी इसको जज करती है, कैसे करते हैं वो सारा एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से जो मुझे मेन बात करनी है वो ये है कि आखिर में कितने जजेस को हमने आज तक हटाया। बात बहुत अनोखी है दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास में पहली बार 1991 में एक केस जो है वो ऐसा उठा था। 1991 में एक जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, जो पहले और इकलौते आज तक इतिहास में वही इकलौते सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन पे आर्टिकल 124(4) के तहत ही प्रोसेस शुरू हुआ है। नाम क्या है? वी रामास्वामी। नाम नोट डाउन करिएगा, वी रामास्वामी। जो वी रामास्वामी थे, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1991 में, 1991 में उनपे ये प्रोसेस शुरू हुआ। दोस्तों ये जो प्रोसेस शुरू हुआ ये कहाँ पे लाया गया? ये लोकसभा में पेश हुआ था। अब बात ये समझनी है कि लोकसभा में आखिर में लाने का रीजन क्या था। तो साथियों वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जज थे। हरियाणा और पंजाब दोनों का एक यूनिफाइड हाई कोर्ट है, दैट इज इन चंडीगढ़। तो जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो हरियाणा को भी कवर करता है, पंजाब को भी कवर करता है और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को भी कवर करता है। उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तीन यानी दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी तक उसकी उसका एक्सपेंशन है। तो वो वहां पे जज थे जब हाई कोर्ट में, तब उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज का कुछ एलिगेशन लगा था, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा था। उसी के बेस पे वो इनिशिएट हुआ। इनिशिएट जब हुआ लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया, लोकसभा में मेरे साथियों वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, वो प्रपोजल पास ही नहीं हुआ, वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ।
रिजोल्यूशन के पास नहीं होने का कारण क्या था? कारण यह था कि उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यानी जो कांग्रेस के जो एमपी थे, उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये प्रपोजल राज्यसभा या लोकसभा में रखे जाते हैं और इन पे वोटिंग होती है, तो इनको स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से पारित होना होता है। अब ये विशेष बहुमत का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट और वोटिंग करने वालों का 2/3 यानी उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अब हुआ क्या कि वो बहुमत चाहिए था, लेकिन जब कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया तो फिर मेंबर तो कम पड़ गए, इसलिए उनके उस रेजोल्यूशन के ऊपर टोटल 176 वोट पड़े थे। ध्यान रखिएगा टोटल वोट कितने पड़े हैं, 176। और आपको जान के हैरत ये होगी कि उन 176 वोटों में से, 176 वोट्स में से एक भी वोट उनके पक्ष में नहीं था, यानी सारे के सारे वोट जो थे वो उनको हटाने के लिए थे। सबने उसको ठप्पा लगाया था, भाई हाँ ये करप्ट आदमी, इनको हटा देना चाहिए, लेकिन बिकॉज कांग्रेस ने वॉकआउट किया था उसकी वजह से वो प्रपोजल पास नहीं हो सका। तो ये हिंदुस्तान की तारीख में इकलौता मामला सुप्रीम कोर्ट के जज का है। इसके अलावा दो जज के नाम हमें और ध्यान रखने होंगे। एक नाम आता है पीडी दिनाकरन। नाम क्या होगा? पीडी दिनाकरन। ये पीडी दिनाकरन साहब 2010 का ये मामला है, 2010 में इन्होंने सीट संभाली सिक्किम हाई कोर्ट के हेड की। ये सिक्किम उच्च न्यायालय के हेड बने। अब जब सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए तो सिक्किम उस समय पे इन पे प्रपोजल लाया गया। तो गाइज ये जो प्रपोजल यहाँ पे इन्होंने लाया गया इनके अगेंस्ट में, वो क्यों लाया गया था? क्योंकि पीडी दिनाकरन साहब जब कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कर्नाटक हाई कोर्ट के जब ये न्यायाधीश थे, तो उस समय उनके ऊपर वही कुछ इरेगुलरिटीज का कुछ आरोप लगा था, उसके अगेंस्ट में वो प्रपोजल शुरू हुआ। प्रपोजल कहां पेश हुआ था? प्रपोजल पहले लाया गया था राज्यसभा में, 2010 की यह घटना है। पीडी दिनाकरन जो कि उस समय पे सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके अगेंस्ट में आया था। तो साथियों पीडी दिनाकरन साहब के खिलाफ में जब ये प्रपोजल रखा गया, ये आया, तो राज्यसभा में उसके ऊपर वोटिंग होती उसके पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, अपने पद से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये वो जज हुए जिनके अगेंस्ट में प्रक्रिया शुरू होने वाली थी लेकिन शुरू हो ही नहीं पाई। सिर्फ प्रपोजल लाया गया था, उसके ऊपर वोटिंग होना बाकी था, उसके पहले उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और दोस्तों तीसरा मामला जो बहुत प्रचलित, बहुत फेमस भी हुआ था, दैट वाज ऑफ सौमित्र सेन का मामला। सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो सौमित्र सेन जो थे वो आई थिंक ही वॉज नॉट अ चीफ जस्टिस, ही वॉज ओनली जस्टिस, वो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश माफ कीजिएगा नहीं थे, न्यायाधीश थे कलकत्ता हाईकोर्ट के। जानकारी के लिए आपको ये बताऊं कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है, उसका ज्यूरिसडिक्शन में अंडमान निकोबार भी कवर होता है। याद रखिएगा कलकत्ता हाईकोर्ट वो वेस्ट बंगाल के साथ में अंडमान निकोबार को भी कवर करता है। उनके ऊपर वो इरेगुलरिटीज का आरोप लगा। इनका जो आरोप है वो 2011 के अंदर वो प्रोसेस शुरू हुआ। 11 में प्रपोजल कहां लाया गया? लोकसभा में लाया गया, और चांस की बात थी कि लोकसभा में पारित हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये मामला राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में यहां पर जैसे ये प्रपोजल पहुंचता है, उन्होंने उसके पहले इस्तीफा दे दिया। तो ये तीन, यानी वी रामास्वामी, पीडी दिनाकरन और तीसरे सौमित्र सेन, ये तीन जजेस की घटना मैंने आप लोगों को बताई है। आपके कोई और सवाल रह गए हो इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मानस अकेडमी पे आप हमारे साथ में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मानस अकेडमी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी या सेट एग्जामिनेशन या पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मानस अकेडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहां पे मैं इंडिपेंडेंटली पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। अगर आप भी मेरे साथ में अपनी सफलता की यात्रा पॉलिटिकल साइंस में शुरू करना चाहते हैं, तो आपका मानस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ आप मेरे साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नीचे जो स्लाइड आप देख रहे हैं, केवल यूजीसी नेट का जो हमने कोर्स अभी लॉन्च किया है, केवल और केवल 4,999 रुपए में कंप्लीट कोर्स 12 महीने के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। साथियों उम्मीद है आप हमारे साथ में आएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक जो है और क्लियरिटी के साथ में पढ़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।